हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों मैं आपको बताने वाला दोस्तों टेक्नोफोन ब्लूटूथ सेटिंग के बारे में। दोस्तों आप अपने फोन दोस्तों ब्लूटूथ डिवाइस दोस्तों आप कैसे पेयर कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना। दोस्तों अपने फोन में ब्लूटूथ सेटिंग को कैसे यूज कर सकते हो, डिवाइस को दोस्तों आप कैसे पेयर कर सकते हो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको पहले फ़ोन की सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। फ़ोन की सेटिंग पे क्लिक कर दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा। आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको पहले मोर कनेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आके दोस्तों आप अपने फ़ोन में एरोप्लेन मोड को ऑन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आके आप एरोप्लेन मोड को ऑफ कर सकते हो। दोस्तों प्राइवेट DNS को दोस्तों यहाँ पर आके आप ऑन ऑफ कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप OTG कनेक्शन को भी ऑन कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये OTG सेटिंग दोस्तों आप तब यूज़ कर सकते हो दोस्तों जब आप पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करते हो अपने टेक्नो के फ़ोन में, और वो सपोर्ट नहीं होती है, कनेक्ट नहीं होती है। पहले आपको इसको ऑन करना है, फिर दोस्तों आप पेन ड्राइव वगैरह यूज़ कर सकते हो अपने टेक्नो के फ़ोन में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ब्लूटूथ पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है। दोस्तों जैसे आप ब्लूटूथ को ऑन करोगे यहाँ पर दोस्तों आपके आसपास के जो भी नियर बाई डिवाइस है, ब्लूटूथ स्पीकर है, हेडफोन है दोस्तों, ईयरबड्स है, स्पीकर है दोस्तों, यहाँ पर शो हो जाएंगे। आपको उन्हीं पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। और दोस्तों अगर डिवाइस नेम शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे बैक हो सकते हो। दोबारा से दोस्तों आप अपने ब्लूटूथ को दोस्तों आप ऑन कर सकते हो एक बार ऑफ करने के बाद। फिर दोस्तों जो भी आपका ब्लूटूथ डिवाइस है दोस्तों यहाँ पे वो शो हो जाएगा। इसके दोस्तों यहाँ पे एक डिवाइस है, पर दोस्तों ये डिवाइस नहीं है, हम इसको नहीं कनेक्ट कर सकते, हमारा डिवाइस नहीं है। तो जैसे आप यहाँ पे एक दो बार रिफ्रेश दोबारा से करोगे जो भी आपका डिवाइस नेम है यहाँ पे वो शो हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश करा दोस्तों देख सकते हो डिवाइस नेम यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। और दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ पे एक पेयर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपको पेयर पे क्लिक कर लेना है, दोस्तों आपका डिवाइस यहाँ पे पेयर हो जाएगा आपके टेक्नो के फ़ोन से। और फिर दोस्तों आप इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हो अपने टेक्नो के फ़ोन से दोस्तों। तो देख सकते हो पेयर डिवाइस दोस्तों, पेयर होने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप सॉन्ग वगैरह बजा सकते हो, और फिर दोस्तों वो आपके स्पीकर में बजेंगे। दोस्तों अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आके दोस्तों आप इसको फॉरगेट कर देना। फॉरगेट करने दोस्तों आप इसको यूज़ नहीं कर सकते दोबारा से। अगर दोस्तों आप इस डिवाइस को दोबारा से यूज़ करोगे अपने ब्लूटूथ स्पीकर को, दोस्तों अगर आपने हेडफोन कनेक्ट करे थे, ईयरफोन या ईयरबड्स, आपको दोबारा से पेयर पे क्लिक करना पड़ेगा, तब आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये आपका डिवाइस नेम है, ब्लूटूथ का डिवाइस नेम है टेक्नो के फ़ोन का। दोस्तों यहाँ पर आगे आप अपने डिवाइस नेम को चेंज कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल टेक्नो कर देता हूँ यहाँ पर दोस्तों मैं। दोस्तों आप इस तरीके से इसको रीनेम भी कर सकते हो अपने फ़ोन के ब्लूटूथ डिवाइस नेम को। दोस्तों हम इस तरीके से ब्लूटूथ सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्नो के फ़ोन में। दोस्तों वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।